हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन का फैशन हॉल और काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट वाली चीज़ें लेकर के आई हूँ। बट हॉल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो कोलैबोरेशन है MHS के साथ में। तो MHS के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ, कुछ टॉप वगैरह मैंने मंगाए हैं, एकदम हल्के लाइट टॉप मंगाए हैं जो कि गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। जिसमें से सबसे पहला है ये एक क्रॉप टॉप, जिसका कलर मुझे बहुत पसंद आया और इसको आप पहन सकते हैं वाइट जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ, और जो वाइड लेग वाली जीन्स चली हैं उनके साथ में इस टाइप के टॉप बहुत ही परफेक्ट जाते हैं और बहुत ही एलिगेंट प्यारा सा है। आप इसको ना ऑफिस यूज़ के लिए भी पहन सकते हैं। कुछ कुछ जो इसका लुक है वो फॉर्मल टाइप का है, सेमी फॉर्मल में मैं कहूँगी इसको, और बहुत प्यारा सा डार्क ग्रीन कलर है। स्लीव्स इसकी देखिए यहाँ तक आती है, छोटी स्लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे से इस तरीके का बटन वर्क है और यहाँ पे वी आपको नेक मिल जाता है। उसके बाद ये ब्लू कलर में बहुत ही प्यारा इसका नेवी ब्लू कलर है और बहुत ही एलिगेंट सा ये पीस है। इस तरीके से आप इसको वाइट कलर की जीन्स के ऊपर या ब्लू एंड ब्लैक के साथ भी चल जाएगा ये, बट वाइट के साथ सबसे बेस्ट जाएगा। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे थोड़ा सा जरी वर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा जरी वर्क है, जो ट्रेडिशनल टाइप का टच भी आ रहा है। देन इसकी स्लीव्स जो है ना वो बहुत प्यारी है, देखिए इस तरीके का कुछ यहाँ पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ पे आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एम्ब्रॉयडरी मिल जाता है वाइट कलर में। वी शेप में नेक है कॉलर वाला और बहुत एकदम हल्का फुल्का पतला सा ये कुर्ता स्टाइल में आपको ये ट्यूनिक मिलता है, जिसको आप ऑफिस भी पहन के जा सकते हो, ऐसे भी कहीं कैजुअली पहन के जा सकते हो और बहुत आपको आरामदायक ही लगने वाला है। और थर्ड मैंने एक स्लिप वेयर मंगवाया है जो कि टी शर्ट एंड शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये है टी शर्ट, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं बट मुझे ये पसंद आया। साइज़ मैंने ना XL ऑर्डर किया है इसमें, बट ये कहीं से मुझे XL नहीं लग रहा है, पहन के देखना पड़ेगा। इसका कलर मुझे अच्छा लगा बहुत, इसमें ब्लू भी है, ब्लैक भी है, कई सारे कलर ऑप्शंस हैं और इसके साथ में ये शॉर्ट्स हैं। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा सा और एकदम हॉजरी कॉटन वाला कपड़ा है ये, तो बिल्कुल भी इसमें गर्मी वगैरह नहीं लगने वाली है। उसके बाद मैं टी शर्ट दिखा रही हूँ, तो मैं टी शर्ट ही दिखा देती हूँ, बट ये मेरी नहीं, हस्बैंड की टी शर्ट है। ये मैंने उनके बर्थडे के लिए मंगवाया था, तो उनके लिए और भी कुछ मैंने मंगवाया है। एक्चुअली ये सामान ना 10-12 दिन पहले का है, मतलब मई में ही आ गया था ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें ना उनके बर्थडे से पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उनको दिखा दिया था मैंने, लेकिन पहना नहीं अभी उन्होंने, बिकॉज आप लोगों को दिखाना था। तो ये एक टी शर्ट है, बिकॉज वो गिटार प्ले करते हैं, गिटार से रिलेटेड कुछ भी उनको बहुत पसंद आता है। तो ये बहुत ही एलिगेंट सा ब्लैक टी शर्ट है, जिसके ऊपर ये वाइट कलर में इस तरीके से ये छोटा सा गिटार प्ले करते हुए कार्टून जैसा कुछ बना हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और आई थिंक कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के भी थे। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ते। तो आपने मे बी लास्ट ब्लॉग मेरा देखा होगा ब्यूटी हॉल, जिसमें मैंने ये कुर्ता पहना हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों को कुर्ते का कलर बहुत पसंद आया और आप लोगों ने पूछा था, तो ये मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ये भी एकदम समर के हिसाब से अप्रोप्रिएट है और ये है, ये मस्टर्ड कलर में और बहुत ही लाइट वेट है ये कुर्ता ना, बहुत ही हल्का है शरीर पे, ये है पॉली शिफॉन में है ये, तो ये इतना लाइट है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है, जबकि ये लाइनिंग वाला है। अंदर से आपको ये लाइनिंग मिलता है, देन ऊपर से ये शिफॉन का एकदम कहते हैं ना हल्का फुल्का सा कपड़ा है। तो और इस तरीके से इसके स्लीव्स हैं, इसके नीचे कोई भी मतलब लाइनिंग नहीं है, तो यहाँ से और भी हल्का फुल्का महसूस होता है। इसका नेक बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा हल्का सा डीप करके, बट इतना डीप नहीं है कि अनकम्फर्टेबल फील हो। ये यहाँ पर वी नेक है कॉलर के साथ में, देन यहीं से आपका ये फ्रिल्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस तरीके से कुछ है। फ्रंट ओपन है ये, इसमें इस तरीके से बटन वर्क दिया हुआ है, बटन लगे नहीं है, ऐसा दिया हुआ है ओपन टाइप का, लेकिन ये पूरा स्टिच है। देन यहाँ से थोड़ा सा स्लिट किया हुआ है, इसको आप प्लाजो के साथ में पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, वाइट प्लाजो के साथ में। इसके बाद मैंने ना सेम ब्रांड की ही, जो लास्ट में आपने देखा ना अभी मस्टर्ड कलर का कुर्ता, उसी ब्रांड का मैंने यहाँ पे एक और ये कुर्ता मंगाया है, जो कि इस तरीके से लाइट ग्रीन कलर में, बहुत ही प्यारा कुर्ता है ये, बहुत अच्छा इसका कलर है। और नेक के ऊपर आपको ये जो
प्रिंट दिख रहा है ना, ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा था। यहाँ तक कि इसकी स्लीव्स आती हैं, तो यहाँ तक कि स्लीव्स वाले कुर्ते मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही पसंद आते हैं। और इस पर भी बहुत प्यारा सा ये देखिए प्रिंट है, और पूरा स्ट्रेट इस तरीके से आपको कुर्ता मिल जाता है। और इसमें बॉटम में भी इस तरीके से चौड़ा इस तरीके से प्रिंट दिया हुआ है। तो ओवरऑल कुर्ते का जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा लुक है। इसको भी आप वाइट प्लाजो लेगिंग्स के साथ में कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद ये कलर है, ये थोड़ा सा डार्क है, ग्रीन कलर में मैंने ये सूट मंगवाया है जिसमें पैच वर्क है। ये ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सूट है, सेट में आता है ये, इस तरीके से प्लाजो है इसका और यहाँ पर ये आपको कुर्ता मिल जाता है। और ये अंगरखा स्टाइल है, तभी मैंने कहा इसका स्टाइल अलग है। अंगरखा स्टाइल में ये कुर्ता है, ये पैच वर्क है और ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है। और ये प्योर कॉटन का कुर्ता है, कमर के ठीक नीचे से ही यहाँ से ये, क्योंकि अंगरखा स्टाइल है तो साइड से यहाँ पर ये स्लिट आपको मिल जाता है। और इस साइड ये डोरी का इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है और साथ में ये जो पैच वर्क और पूरा डिज़ाइन है अंगरखा स्टाइल, ये मुझे बहुत पसंद आया। प्योर कॉटन है तो बहुत आपके शरीर पे ये हल्का रहेगा, ठंडक देगा। इसके साथ में क्योंकि प्लेन सा कुर्ता है तो ये प्रिंटेड आपको प्लाजो मिल जाता है कॉन्ट्रास्ट में, जो कि प्योर कॉटन का है। इस तरीके से ये आपको प्लाजो मिल जाता है। उसके बाद मैंने एक और कुर्ता ऑर्डर किया था जिसका मैं आपको पिक दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। तो इस बार मेरे साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हुई है, मैंने बहुत ही प्यारा सा पूरा सेट ऑर्डर किया था, एक पिंक कलर का, पिंक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में कुर्ता। तो ये वाला कुर्ता मैंने ऑर्डर किया था, तो इतना प्यारा कुर्ता है पूरा। और उसके बदले में मुझे पता है क्या आया है, ये एकदम अलग सा ही मुझे सिर्फ एक दुपट्टा रिसीव हुआ है इसके बदले। इसके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगा है कि किस कंपनी का है, ऐसा कुछ भी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मैंने पूरा का पूरा सूट ऑर्डर किया, उसके बदले में मुझे पता नहीं किस कलर की, मतलब कलर भी नहीं मैच करता है, और किस ब्रांड की एक दुपट्टा भेजा गया है। तो इसका मुझे कंप्लेन करना होगा। बाकी सूट बहुत अच्छा लगा था, वो भी कॉटन का सूट है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, लाइट कलर है, पिंक कलर है और ग्रे के कॉम्बिनेशन में प्लाजो एंड चुन्नी है। तो लिंक तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स उसकी और देख लीजिएगा। तो ये ख़त्म होते हैं सारे कुर्ते और सूट यहाँ पे। जॉर्जेट की ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, बिल्कुल ही लाइट वेट है, कलर भी बहुत ही हल्का फुल्का देखिए ऐसे है, और एकदम लाइट कलर भी है और बहुत ही पहनने में जॉर्जेट की है तो बहुत ही हल्की सी साड़ी है, जो आप ऐसे भी रेगुलर पहन सकते हो एवरीडे के हिसाब से। और ये ब्लाउज़ के साथ आपको मिली है, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, 600 के आसपास इसका प्राइस था। और ये ब्लाउज़ के साथ में इस तरीके का ब्लाउज़ इसके साथ में दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी पहन सकते हो या दूसरे ब्लाउज़ भी इसके साथ, कॉन्ट्रास्ट अलग अलग तरीके का हो जाता है, लाइक इस पर गोल्डन भी बहुत अच्छा चलेगा। इसका जो किनारी है ना, उसके ऊपर इस तरीके का मोती वर्क दिया हुआ है, ये मोती वर्क ना इसको बहुत ही प्यारा बनाता है, थोड़ा सा गोटा पट्टी है लाइट और उसके ऊपर इस तरीके से मोती का ये वर्क दिया हुआ है। पूरा जो बॉटम पोर्शन है उस पर है, पूरा आपका ये जो पल्ला आता है इस पर है। इसके एक सिंपल लुक को ना ये जो मोती का वर्क है ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, तो ये हम लोग भी डेली यूज़ में पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि इसका जो ब्लाउज़ है ना, उसके ऊपर भी इस तरीके से आपको दिया हुआ है ये मोती का वर्क, जो कि बाजू पे आएगा। ये शूज़ का ना अच्छा खासा प्राइस भी था, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। वैसे देखने में लुक में बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज शूज़ बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से जो इस तरीके का स्क्वायर इसका डिज़ाइन है, इसने भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। इस तरीके से ये पूरा फ्लैट है और यहाँ से बहुत अच्छा ग्रिप रहता है चलने में। कितना भी आप ऐसे सैंडल्स को पहन के चलते हैं ना, तो आपके पैरों में दर्द नहीं होता है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता है, तो इस हिसाब से मैंने मंगाया था। बट मुझे इसमें बस एक चीज़ खटकी, जब मैंने इसको ओपन करके देखा ना, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कैमरे में, यहाँ पे आप हल्का सा देख सकते हैं ऊपर का, जैसे रैक्सीन, जो लो ग्रेड का रैक्सीन होता है, बैग्स वगैरह कुछ आते हैं ना, तो ऊपर से उनका वो उधड़ जाता है, ऊपर वाली खाल जैसे निकल गई हो, तो यहाँ पे देखिए कुछ खाल निकली सी लग रही है, और ये ऐसे ही मुझे डिलीवर हुआ है, तो ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। तो ये मे बी मैं रिटर्न करूँ, बिकॉज़ अभी तो ये छोटा सा है,
पता चला 2-4 बार 5 बार पहन लिया, कभी भीग भीग गया तो ये पूरा ही ख़राब हो गया। जिन लोगों ने भी ख़रीदा है स्टार बहुत अच्छे दिए हुए हैं, 4.5 स्टार मिले हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 लोगों ने दिए हुए हैं। अगर शायद वो हल्का सा नहीं होता तो मैं भी इसको पूरे पूरे स्टार देती, बट उसकी वजह से मेरे दिमाग में थोड़ी सी बात खटक रही है कि कहीं वो चीज़ बढ़ ना जाए। तो एक ये फुटवेयर मैंने मंगाया था लेकिन मैं इसको रिटर्न करूँगी। उसके बाद सिद्धार्थ के लिए तो हर 6 से 7 महीने पे उसके शूज़ मुझे चेंज करने ही पड़ते हैं। नीचे जैसे जाता है ना खेलने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने उसके लिए शूज़ भी मंगाए हैं और साथ में मैंने उसके लिए क्रॉक्स भी मंगाए हैं। तो बच्चे ना क्रॉक्स में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, लाइक चप्पल की जगह ये पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये शूज़ से थोड़ा सही रहता है बिकॉज एयर ही रहता है इसमें से, आपका आधा पैर तो वैसे भी खुला रहता है और यहाँ भी इस तरीके से होल बने रहते हैं ना, तो गर्मियों में काफ़ी अच्छा लगता है, आपके पैर जो हैं वो एकदम पसीना पसीना शूज़ में नहीं हो जाते हैं। और क्योंकि सिद्धार्थ साइकिलिंग करने जाता है तो चप्पल पहना के उसको नहीं भेज सकते हैं ना, तो इसीलिए क्रॉक्स लिए मैंने कि जूतों की कमी भी पूरी हो जाए और ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। तो इसीलिए मैंने ये बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर में और इस तरीके का कुछ इसका बॉर्डर है, ये मैंने क्रॉक्स लिए हैं। और इसमें कई तरह के कलर अवेलेबल थे, तो ब्लू में भी था, रेड में भी था, येलो में भी था, तो वो तो आप जाएंगे ना जब लिंक पे क्लिक करके तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो। तो ये एक किया है और दूसरा मैंने सेम कंपनी से ही यहाँ पर ये शूज़ इसके लिए ऑर्डर किया है, ये मैंने शूज़ इसके लिए ऑर्डर किए हैं। ये वाले शूज़ ऑलरेडी सिद्धार्थ पहनता है, मतलब सेम ब्रांड के शूज़ वो ऑलरेडी पहनता है, डिज़ाइन उसका डिफरेंट है ब्लैक कलर में। ये इतने हल्के हैं ना, रुई की तरह हल्के हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत उसको पसंद आए थे ये वाले शूज़। तो सेम ब्रांड में सेम में ही मैंने हल्का सा डिज़ाइन उधर उधर करके ये वाले शूज़ डिज़ाइन और कलर अलग अलग करके मैंने मंगाए हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे हैं और कंफर्टेबल तो बहुत है, ये कंफर्टेबल बहुत है और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 550-600 की रेंज में है। तो बढ़ते बच्चों के लिए ना इस रेंज के अगर कंफर्टेबल शूज़ हो तो, कंफर्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अगर कंफर्टेबल चीज़ आपको कम रेंज में मिल रही है शूज़ के मामले में तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना कि काफ़ी महंगे शूज़ लेना, बिकॉज सिद्धार्थ के साथ तो महंगे शूज़ ले भी नहीं सकते, वो साल भर भी नहीं पहनता है शूज़, उसको बिल्कुल भी टाइट वाले शूज़ पसंद नहीं है, हल्का सा टाइट होता है रिजेक्ट कर देता है, तो हर 6 महीने पर मुझे चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं लगभग इसी under 1000 की रेट में देखती हूँ कि अच्छे शूज़ मिले। उसके बाद हस्बैंड के लिए जो मैंने गिफ्ट मंगाया था उसमें सिर्फ वो टी शर्ट नहीं था, उसके साथ मैंने एक और सेट हर्ष पपी के शूज़ मंगवाए। अभी लास्ट मंथ मैंने शो किया था ब्राउन कलर के मैंने शूज़ मंगाए थे उनके लिए, और हर्ष पपी उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लैक कलर के, ब्राउन तो हो गए हैं तो एक ब्लैक कलर के शूज़ जो हैं उनके लिए मंगवा देते हैं। तो ये सेम चीज़ है, मतलब जो ब्राउन वाले आपने देखे थे ना ये बिल्कुल सेम है, बस एक कलर ब्लैक है, तो ये वाले शूज़ मैंने मंगवाए हैं। तो यही था आज का टोटल फैशन हॉल, जिसके अंदर कुर्ते थे, टॉप थे, फुटवेयर्स थे। होपफुली आप लोगों को ये आज का हॉल थोड़ा अच्छा लगा हो और थोड़ा यूज़फुल लगा हो, इन दोनों में से कुछ भी लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ लेने का अगर विचार बना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।